हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। सभी जानते हैं कि डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छा नहीं रहा, पर उसकी जो मूवीज आई हैं वो काफी हद तक अपने बलबूते पे ही कमा पाई। पर अगर टाइमलाइन की बात करी जाए तो डीसी इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फ्यूचर की मूवी आ रही है द फ्लैश, जिसमें कि इतने सारे कैमियोज होने वाले हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे, जिसमें कि बैटमैन, न्यू बैटमैन, ओल्ड बैटमैन, सुपरमैन और भी न्यू कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कराए जाएंगे। और डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्ट हुई थी मैन ऑफ स्टील से, और आपने ये सुपरमैन की मूवी देखी होगी जिसमें कि जो हमें सुपरमैन देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल था। जैक स्नाइडर की बेहतरीन मूवी थी। देन उसके बाद सेकंड मूवी देखने को मिली जिसमें कि बैटमैन से इंट्रोडक्शन कराया गया, जो कि बेन अफ्लेक ने ये कैरेक्टर प्ले करा था, जो कि बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था। देन थर्ड मूवी देखने को मिली जस्टिस लीग, जिसमें कि हमें पहले डीसी के सुपर हीरो टीम अप करते नजर आए। पर आगे क्या, यहीं तक ये मामला ठंडा पड़ गया। और उसी के बाद अब आ रही फ्यूचर में द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। इसमें ऐसा मल्टीवर्स देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको जो आपने प्रीवियस मूवी देखी है मैन ऑफ स्टील, बैटमैन सुपरमैन, जस्टिस लीग, ये तीनों ही इरेज हो जाएंगी। जी हाँ, इस मूवी की टाइमलाइन ऐसी होने वाली है कि प्रीवियस मूवी की टाइमलाइन खत्म हो जाएगी और आगे फ्यूचर में न्यू जस्टिस लीग टीम अप मूवी देखने को मिलेगी और बैटमैन से रिप्लेस करेगी बैटगर्ल, जी हाँ, जिसके ऊपर एक ऑफिशियली सोलो मूवी आ रही है, और सुपरमैन से रिप्लेस करेगी सुपरगर्ल, जिसकी एक खुद की अलग से सुपरमैन मूवी भी आ रही है। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि सुपरमैन 2 भी आएगी, यानी कि मैन ऑफ स्टील 2 समझ सकते हो उसको एक तरीके से। और सभी जानते हैं कि कास्टिंग क्या है, और देन फ्लैश मूवी में इसकी काफ़ी सारी सेट इमेजेस भी देखी थी। तो यार चल रहा है अब जैसा चल रहा है, पर इस चीज़ को सुनते हुए बेन अफ्लेक ने फाइनली रिवील्ड कर दिया कुछ सालों बाद ही, और ये करीब 2 दिन पहले रिवील्ड करा है कि जस्ट लीक मेरी लाइफ का सबसे बेकार एक्सपीरियंस रहा है। देन उसी के साथ बात करें अगर अगले अपडेट के बारे में, तो उस मूवी में आपको वंडर वुमन देखने को मिलेंगी, सुपरमैन देखने को मिलेंगे, बेन अफ्लेक का बैटमैन देखने को मिलेगा, माइकल कीटन देखने को मिलेंगे। देन उसी के साथ हाल की हाल यहाँ पर एनी गेल ने भी कंफर्म कर दिया कि वंडर वुमन 3 भी आ रही है, पर इनकी दोनों प्रीवियस मूवी इस टाइम लाइन से कनेक्ट करेंगी। और देन उसी के साथ आज के दिन रिवील्ड हो चुका है फाइनली बैट गर्ल की सेट इमेजेस, जिसमें कि रॉबिन कंफर्म हो चुकी हैं और माइकल कीटन का बैटमैन भी कंफर्म हो चुका है। और देन उसी के साथ हमारी बैट गर्ल यानी कि लेसी ग्रेस भी फाइनली रिवील्ड कर दी गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर इनका सूट अभी तक रिवील्ड नहीं करा गया है। और उसी के साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको ब्लैक कैरिनी भी देखने को मिलेगी, तो फाइनली उनका भी एक हमें ईस्टर एग देखने को मिला, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसी के साथ अब बात करते हैं एक और नए अपडेट के बारे में। तो फाइनली जेम्स गन की जो अपकमिंग टीवी सीरीज आ रही है, तो जेम्स गन ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है कि वो एक और सीक्रेट टीवी सीरीज बना रहे हैं डीसी के लिए। देन उसी के साथ एक और अपडेट है, जोलो जो कि कोबरा का ही सीजन में आपने देखा होगा, उन्होंने फाइनली ब्लू बीटल का सूट पहन के देखा है और बता रहे हैं कि हाँ सही है, ठीक ठाक है। देन उसी के साथ बैटमैन की कुछ इमेजेस सामने रिवील्ड हुई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइटली हमें दिखाई गई हैं और देन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। देन उसी के साथ पेंगुइन का भी नया लुक दिखा है हमें, जो कि डिफरेंट स्टाइल में बैठे हुए हैं और देन अब क्लियर नज़र आ रहा है इनका चेहरा। देन उसी के साथ रेडलर का भी आया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए हैं और फर्स्ट लुक रिलीज हुए हैं, जो कि आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। और देन उसी के साथ गाइस ये थे वो काफ़ी सारे कमाल के अपडेट। देन अगर आपको और भी ज़्यादा अपडेट जानने तो आप मेरे को ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे अपडेट पहले पता चल जाएं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।